दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क सॉल के बारे में, जिसको मर्क्यूरियस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों मर्क सॉल एक बहुत ही बेहतरीन एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। दोस्तों इसकी सबसे खास बात है दोस्तों कि इसका जो एक्शन होता है वो बोन के ऊपर होता है। इवन शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सबके ऊपर इसका असर होता है। मर्क सॉल के जो पेशेंट होते हैं दोस्तों, आप ऐसे पेशेंट को देखेंगे जिनके केश का रंग, बालों का रंग हल्के रंग का होता है और शरीर और जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ढीली होती हैं। ऐसे पेशेंट पे इसका बहुत अच्छा असर होता है। अस्थियों पे या बोन पे इसका बहुत अच्छा असर होता है। बोन की जो तकलीफ़ें होती है दोस्तों ये रात में बढ़ती हैं। इसके अलावा जो ग्लैंड्स होती है दोस्तों उनके अंदर में जब सुपरेशन की कंडीशन हो, यानी पस फॉर्मेशन की कंडीशन हो या पस न बन रहा हो, दोनों कंडीशन के लिए मर्क सॉल बहुत उपयोगी है। स्पेशली दोस्तों जब मर्क सॉल का इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से होता है जहाँ पर ज़्यादा सुपरेशन की कंडीशन होती है, यानी पस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो और हम इस कंडीशन में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं साइलिसिया और हिपर सर्व के साथ में। दोस्तों ऐसे एब्सेस के लिए जिसको हम लोग कोल्ड एब्सेस कहते हैं, जो कि छूने में भी ठंडा होता है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वैसी कंडीशन के लिए भी मर्क सॉल बहुत अच्छा काम करती है। कोल्ड एब्सेस में जिसमें पस बनने की जो गति होती है बहुत धीमी होती है, वहाँ पर इसका अच्छा असर होता है। दोस्तों मर्क सॉल का एक बहुत ही बेहतरीन सिम्टम होता है कि पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा होता है, स्वेत यानी पसीना पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पेशेंट को उससे आराम नहीं मिलता है। ये इसके एक बड़े खास पेक्यूलियर सिम्टम है दोस्तों। इवन कंडीशन कभी कभी पसीने की वजह से बढ़ भी जाती है, तकलीफ उसकी बढ़ भी जाती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए जिनको पसीना होता है और पसीने से पेशेंट को आराम मिलता है, वहाँ पर हम इस सिम्टम पर कंपेयर कर सकते हैं नेट्रम्योर, वेरेट्रम एल्बम और सोराइनम के साथ में दोस्तों, क्योंकि इन तीनों मेडिसिन में पसीना बहुत ज़्यादा होता है और पसीना होने के साथ साथ पेशेंट को आराम भी मिलता है, जबकि मर्क सॉल में पसीना होने के बाद आराम नहीं मिलता है। दोस्तों मर्क सॉल के पेशेंट में बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद पेशेंट को दुर्बलता, कंपन महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है, ये इसका एक बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है। पेशेंट को श्वास लेता है पेशेंट या उसके शरीर से महक सी आती है, दुर्गंध आती है। दोस्तों इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सोराइनम के साथ में। दोस्तों मर्क सॉल का पेशेंट दोस्तों हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी बोलता है, इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हिपर सॉल के साथ में, उसमें भी ये सिम्टम पाया जाता है। दोस्तों मर्क सॉल का जो पेशेंट होता है उसको सर्दी जुकाम की भी तकलीफें अक्सर लगी रहती हैं। पेशेंट को जब सर्दी जुकाम होता है तो उसको नाक उसकी बहने लगती है और नाक से जो डिस्चार्ज होता है वो दोस्तों होता है एक्रिड, लगने वाला होता है, जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे की त्वचा को छील देता है, वहाँ पे जलन पैदा करता है, वहाँ पे इरिटेशन पैदा करता है। ऐसी कंडीशन होती है मर्क सॉल के कैटार में, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर्दी जुकाम में, और छींक आती है पेशेंट को बार बार, चूँकि एक्रिड डिस्चार्ज निकलता है तो उसकी वजह से जो नाक के नथुने होते हैं दोस्तों, नाक के नथुने ये राह हो जाते हैं, मतलब ये कि इसके अंदर घाव हो जाता है, ये कंडीशन हो जाती है मर्क सॉल के पेशेंट को। इसके साथ में इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उन सारे सिम्टम्स पे भी हमको फोकस करना, उस पर ध्यान देना। दोस्तों नाक से निकलने वाला डिस्चार्ज हरे पीले रंग का होता है, फिटिड होता है, मतलब बदबू बहुत ज़्यादा उसके अंदर होती है, एक्रिड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा पस लाइक जैसा होता है, जैसे पस होता है वैसा होता है, नाक की जो बोन्स होती हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इसकी तकलीफें रात के वक्त में और डैम्प वेदर में, ऐसे समय में जबकि नम मौसम हो, इसकी तकलीफें दोस्तों बढ़ जाती हैं। तो ये इसका एक बड़ा खास सिम्टम होता है जिसके आधार पर हम सर्दी जुकाम के जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम अलग मेडिसिन से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मर्क सॉल का इस्तेमाल दांत के दर्द में भी होता है। दांत के दर्द में भी इसके बड़े अच्छे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के दांत दर्द की तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। दोस्तों इसका जो दर्द होता है वह पल्सेटिंग होता है दोस्तों, टपकन जैसा दर्द होता है। इसके अलावा चिलक मारने वाला दर्द होता है, जो कि आप पेशेंट के चेहरे से लेकर के कान तक चला जाता है, ये इसका बड़ा खास सिम्टम है। दोस्तों पेशेंट का जो दर्द होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पल्सेटिंग होता है, चिलक मारने जैसा होता है, जैसे गोली लगती है, या टपकन जैसा दर्द होता है,
कभी कभी ये दर्द फाड़ता हुआ ऐसा महसूस होता है दोस्तों। और जो दर्द होता है, मैंने बताया कि ये चेहरे से लेकर के कान तक चला जाता है। इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं, जो कि इसकी पेक्यूलरिटी है, रात के वक्त में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाना, डैम्प वेदर में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाना, तो रात में दांत का दर्द बढ़ जाता है, डैम्प वेदर यानी नम मौसम में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं, या ठंडा या गर्म कुछ भी खाना पीना करता है पेशेंट, तो इसके दांत में दर्द होने लगता है। ये इसका बड़ा डिफरेंशिएटिंग सिम्टम भी है। हवा में बिस्तर की गर्माहट से पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, और गाल को हल्के हाथ से रब करने पर, मसलने पर पेशेंट को आराम मिलता है। ये एक बड़ा बेहतरीन सिम्टम है इसका दोस्तों। दोस्तों मर्कसाल के पेशेंट की एक बड़ी ख़ास बात होती है कि जो इसकी जो दांत की तकलीफ़ें होती हैं, दांत का ऊपर का पोर्शन इसका नष्ट हो जाता है और जड़ें होती हैं यथावत बनी रहती हैं, मतलब जड़ सही होती है, ऊपर का पोर्शन इसका ख़राब होता है दोस्तों। ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम है मर्कसाल का, और इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब ये कि जो जड़ें होती है वो ख़राब हो जाती हैं और ऊपर का पोर्शन सही रहता है, ये आपको पाया जाता है मेजेरियम के अंदर में दोस्तों। तो इन दोनों मेडिसिंस को हम इस सिम्टम पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोस्तों। एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है मर्कसाल का, इसका सलाइवा। इसका जो सलाइवा होता है दोस्तों, प्रोफ्यूज होता है, फिटिड होता है, महक रहती है उसके अंदर में, ज़्यादा मात्रा में निकलता है, सूत जैसा होता है, तार जैसा बन जाता है, ज़्यादा तार जैसा बनता है आपका कालीबाई क्रोम में दोस्तों, इसमें हल्का होता है। इसके अलावा जो सलाइवा होता है दोस्तों, वो रात में ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसका जो टेस्ट होता है दोस्तों सलाइवा का, वो होता है मेटेलिक टेस्ट। ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम है इसका दोस्तों। एक इसका रेड लाइन सिम्टम है, ये हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी इसके बारे में बातचीत किया हुआ आपसे, कि मर्क्यूरियस का जो टंग होता है दोस्तों, वो बड़ा ख़ास होता है, और यही हमेशा ध्यान दिया जाता है। मर्क्यूरियस का टंग होता है दोस्तों, लार्ज होता है, बड़ा होता है, थुलथुला होता है, फ्लैबी होता है, थुलथुला होता है, विथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, दांत के निशान किनारे किनारे लगे होते हैं दोस्तों। सिलाइवेशन बहुत ज़्यादा होती है, और मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लार बनता है। और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं चेरिडोनियम, रस्टॉक्स और पोडोफाइलम के साथ में दोस्तों। इसके साथ में जीप पे अल्सर भी हो सकते हैं, घाव भी हो सकते हैं, जिसको स्टोमेटाइटिस में बोलते हैं, वह पेनफुल हो सकता है, और इसके साथ साथ में रेड या वाइट दोनों तरीके के अल्सर्स हो सकते हैं दोस्तों। मर्कसाल का एक बहुत ही बेहतरीन सिम्टम होता है लार्ज फ्लैबी टंग के साथ साथ में, पेशेंट के अंदर में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है, लार बहुत ज़्यादा बनता है, उसके बावजूद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों। ये इसका बहुत ही ख़ास सिम्टम है, और इसके साथ में जिसका ठीक उल्टा होता है पल्सर टीला के साथ में। पल्सर टीला में दोस्तों मुँह सूखा रहता है फिर भी प्यास नहीं लगती है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं दोनों मेडिसिंस में, और बहुत ही पेक्यूरियर सिम्टम्स है दोस्तों। किसी भी रोग में, किसी भी बीमारी में अगर आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं, तो दोनों मेडिसिंस के अलग अलग उपयोग किए जा सकते हैं। मम्स, डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ में फिटिड सलाइवा अगर हो दोस्तों, तो वहाँ पे मर्कसाल बहुत अच्छा काम। टंग लार्ज फ्लैबी विथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ हो दोस्तों, जीभ भारी भारी महसूस हो, फ्लैबी हो, थुलथुली हो, मोटी हो, और साथ में दांत के निशान हो, और इन बीमारियों में जैसा कि मैंने आपको बताया मम्स, डिप्थीरिया या टॉन्सिलाइटिस में, तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम करती है मर्कसाल। यहाँ पे हम इसको दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं लेकेसिस, नेट्रमयूर और टैक्सिकम के साथ में दोस्तों। इन सारे मेडिसिंस में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं दोस्तों। डिप्थीरिया की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है मर्कसाल। इसके जो सिम्टम्स पाए जाते हैं कि टॉन्सिल्स में आपको सूजन मिलेगी, यूला इलांगेटेड मिलेगा, यूला यानी जो बीच में लटका जाता है जिसको गलघंटी बोलते हैं, वो आपको लटका हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ में मेम्ब्रेन एक ग्रे कलर की आपको तालू में आपको मिलती है दोस्तों, जो कि लटकी हुई होती है, और बार बार निगलने की इच्छा होती है पेशेंट की, बार बार पेशेंट चाहता है कि निगलने की ऐसी कोशिश करता है पेशेंट, तो ये बार बार इच्छा होती है। तो वैसे केस के लिए दोस्तों एक बेहतरीन दवा है मर्कसाल दोस्तों। जो मेम्ब्रेन होती है डिप्थीरिया में, उसके जो टुकड़े होते हैं वह तालू से कभी कभी चिपके होते हैं, कभी कभी फ्री होते हैं, और उसको बार बार निगलने की पेशेंट की इच्छा होती रहती है। और ये सिम्टम्स है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिप्थीरिया के केस में, या किसी भी बीमारी में अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, तो वहाँ पे मर्कसाल बहुत अच्छा काम करती है। साथ में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है, साथ में फिटिड
मतलब बदबू रहती है सलाइवा के अंदर में, ये सिम्टम्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इन सारे सिम्टम के आधार पर अगर आप मर्कसॉल देते हैं या मर्क्यूस देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट रहा, और इसके बाद अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा जिसमें आपको हम इसके आगे की जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी है, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में और इसके अगले पार्ट में। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो ये जानकारी तो अपने जितने भी दोस्त हैं मित्र हैं जिनको लगता है कि इसकी जानकारी की आवश्यकता होगी तो उनको जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सके। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।